अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज लॉ ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस, चैप्टर 6, टॉपिक्स एंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इन विच वी हैव स्टडीज अबाउट द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। जॉर्ज मेंडल गेव द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। सो जॉर्ज मेंडल टुक पी प्लांट। जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट जो हैं वो पी प्लांट पे सेलेक्ट किए, मटर के पौधे पे। उसकी ख़ास बात यह है कि पी प्लांट में जो है वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन नेचुरली नहीं होती, इसलिए पी प्लांट्स हमेशा जो है वो प्योर ब्रीड जो है वो ऑफस्प्रिंग्स में कंटिन्यूस जो है वो चली आती हैं। तो मेंडल ने मुख्तलिफ जो है 60 ट्रेट्स को जो है ना सेलेक्ट किया। 60 ट्रेट्स में उसने मुख्तलिफ अपने एक्सपेरिमेंट जो है वो अंजाम दिए। तो एक ट्रेड जो था उसमें था हाइट ऑफ द प्लांट। एक जो पी प्लांट था वो टाल था और दूसरा जो पी प्लांट था वो क्या था, वो डॉर्फ था। सो दीज आर बोथ कंट्रास्टिंग करेक्टर्स। इसमें ये दोनों करेक्टर्स बिल्कुल कंट्रास्ट हैं और दूर से ही पता चल जाएगा कि एक प्लांट जो है वो टाल है और दूसरा प्लांट डॉर्फ है। तो हमने पहले पढ़ा है कि हमेशा जो जीन्स होती हैं वो हमेशा पेयर्स की शक्ल में जो है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में आती हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं एक पैटर्नल साइड से आता है और दूसरा क्रोमोसोम जो है वो मैटर्नल साइड से आता है। तो दोनों जो है क्रोमोसोम्स होते हैं, एक पैटर्नल साइड का क्रोमोसोम और एक मैटर्नल साइड का, उसके पार्टिकुलर लोकस पे जो जीन होगी वही जीन दूसरे उसके होमोलोगस क्रोमोसोम्स में होती है। गैमेट्स फॉर्मेशन में हमने पढ़ा था कि जब गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है तो रिडक्शन डिवीजन होती है। जिस तरह ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम हैं तो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान 23 क्रोमोसोम्स एक गैमेट में जाएंगे और 23 दूसरे गैमेट में जाएंगे। अब यहाँ पर जो है ये टी प्लांट्स में दोनों करेक्टर्स की जीन्स मौजूद हैं जिसको हमने कैपिटल टी और कैपिटल टी से यस प्लीज़। और डॉर्फ प्लांट में दोनों डॉर्फ प्लांट्स के एलील्स मौजूद हैं जिनको हमने सिमाल्टी और सिमाल्टी से रिप्रेजेंट किया है। गैमेट फॉर्मेशन के दौरान क्या होगा कि जो टी है वो एक जो है वो एलील जो है एक गैमेट में चली जाएगी और दूसरी जो है वो गैमेट में चली जाएगी। इसी तरीके से जो दूसरा प्लांट है उसमें भी जो है वो एलील जो है एक गैमेट में जाएगी और दूसरी एलील दूसरे गैमेट में जाएगी। मेंडल ने क्या किया कि मेंडल ने टाल प्लांट और डॉर्फ प्लांट इनमें आर्टिफिशियली इनको फर्टिलाइज़ किया, क्योंकि इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं होती। तो मेंडल ने टाल प्लांट को डॉर्फ प्लांट के साथ क्या किया, क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद ये गैमेट फॉर्मेशंस जो है वो हो गई। अब पॉसिबिलिटी क्या है कि ये वाली गैमेट या जो है वो इस एलील से मिले या ये एलील जो है या इस एलील से मिले। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये वाली एलील जो है वो इस एलील से मिले या ये वाली एलील जो है वो इस एलील से मिले। तो इसको हम इजी करने के लिए टेबल बनाएंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। टेबल बनाएंगे जिसमें हमने अलग अलग इनको एलील्स को रिप्रेजेंट किया है, कैपिटल टी, और इसी तरीके से हमने स्मॉल टी और स्मॉल टी को रिप्रेजेंट किया। मेंडल्स ने जो पेरेंटल प्लांट है उसको रिप्रेजेंट किया P1 से, प्रोगेनी 1 या पेरेंट 1, और उसके बाद जो है इनके जब क्रॉस ब्रीड किया तो अब क्रॉस कैसे होगी, कैपिटल टी फ्रॉम वन पेरेंट एंड इस पेरेंट से कौन सी टी आई, स्मॉल टी। इसी तरीके से कैपिटल टी जो है वो एक पेरेंट से एंड द स्मॉल टी फ्रॉम अदर पेरेंट। और देखें कि इसी तरीके से हमें सारी की सारी जो है वो जो ऑफस्प्रिंग मिली वो हमें हेटरोजाइगस मिली। मेंडल्स ने इसको रिप्रेजेंट किया F1 जनरेशन। F1 जनरेशन मींस फर्स्ट फ्लावर जनरेशन जो है उसने इसका नाम लिया और ये हमें तमाम के तमाम जो है वो हेटरोजाइगस कंडीशन में आए। हम पहले पढ़ चुके हैं होमोजाइगस हेटरोजाइगस। यहाँ पर दोनों टी जो हैं इस पेरेंट प्लांट में क्या हैं, दोनों कैपिटल टीज़ हैं। तो दोनों कैपिटल टीज़ हैं, जब दोनों अलील एक जैसी होती हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको होमोजाइगस कहते हैं।
यहाँ पर भी दोनों सिमाल्टीज जो है वो दोनों अलील्स जो है वो एक जैसी हैं, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस कहेंगे। फ़र्क ये है कि ये जो है ये हमारा होमोजाइगस डोमिनेंट है और ये हमारा जो सिमाल्टी है उसको हम कहेंगे होमोजाइगस रिसेसिव। तो दिस इज होमोजाइगस रिसेसिव। अब यहाँ पर मेंडल्स ने एक चीज़ देखी, एक चीज़ ये देखी कि जो प्लांट, एक पेरेंटल प्लांट जो है वो टाल था और दूसरा पेरेंटल प्लांट क्या था, डॉर्फ था। लेकिन हमें जो जनरेशन मिली F1 जनरेशन, उसमें ये हिट्रोजाइगस कंडीशन में तो आ गए, लेकिन जो तमाम जो है प्लांट्स हैं, ऑल प्लांट्स आर फिनोटिपिकली टाल, फिनोटिपिकली टाल तमाम प्लांट्स जो हैं वो अपियरेंस में क्या थे, अपियरेंस में प्लांट्स जो हैं वो सारे के सारे क्या थे, टाल थे। तो अब यहाँ पर चार्ल्स डार्विन इस नतीजे पे पहुँचा कि जब हम दो कंट्रास्टिंग करेक्टर्स में क्रॉस ब्रीड करते हैं तो हमें जो फर्स्ट फिलहाल जनरेशन मिलती है, उस जनरेशन में जो एक करेक्टर है वो कम्प्लीटली जो है वो दूसरे करेक्टर को क्या कर देता है, गायब कर देता है, हाइड कर देता है, मास्क कर देता है। यहाँ यानी कि अपीयरेंस में तमाम के तमाम जो हमें प्लांट्स मिले वो क्या मिले, तमाम के तमाम प्लांट्स टाल मिले। तो इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कि एक एलील जो है वो कम्प्लीटली डोमिनेंट हो जाती है दूसरे एलील पे और उसको बिल्कुल गायब कर देती है। तो ये हमारा जो है ये क्या हो गया, ये लॉ ऑफ कम्प्लीट डोमिनेंस हो गया। अब दो टर्म्स और यूज़ हुए, फिनोटिपिकली एंड जीनोटिपिकली। दिस इज़ जीनोटिपिकली, जीनोटाइप। तो ये जो है जब हम उसकी जीन्स को और अलील्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको जीनोटाइप कहेंगे। लेकिन जो प्लांट हमें अपीयरेंस में नज़र आएगा, जब हम अपीयरेंस और उसकी मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, फिनोटाइप। तो प्लांट्स जो हैं वो फिनोटाइप। अब मेंडल ने क्या किया कि सिर्फ इस करेक्टर पर महदूद नहीं रहा, मेंडल रिपीट देयर एक्सपेरिमेंट्स अगेन एंड अगेन अलॉन्ग विद द ऑल 7 करेक्टर्स, तमाम 7 करेक्टर्स के साथ उसने वो अपने एक्सपेरिमेंट्स को रिपीट किया। जैसे शेप ऑफ द सीड राउंड सीड है या रिंकल्ड सीड है, इस करेक्टर को भी उसने रिपीट किया। कलर ऑफ द फ्लावर, पोड्स का कलर, पोड्स की टाइप, इन तमाम चीज़ों को मेंडल्स ने रिपीट किया और सब में रिजल्ट उसको क्या आया, सब में रिजल्ट आया कि एक जो करेक्टर है वो कम्प्लीटली रिप्रेजेंट हो रहा है हमारी फर्स्ट फिलहाल जनरेशन में और दूसरा जो है वो बिल्कुल मास्क हो जा रहा है, वो नज़र नहीं आ रहा। अब मेंडल्स ने आगे अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंटिन्यू किया, उसने अब फर्स्ट फिलहाल जनरेशन को लिया। अब फर्स्ट फिलहाल जनरेशन कौन सी थी, फर्स्ट फिलहाल जनरेशन हमारी थी हिट्रोजाइगस, यानी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। और पी प्लांट की खसूसियत क्या होती है कि उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है। तो अब जो है हिट्रोजाइगस कंडीशन, हिट्रोजाइगस कंडीशन के साथ क्या हुआ, क्रॉस ब्रीड करेंगे या सेल्फ फर्टिलाइज होंगे, रिजल्ट सेम मिलेगा। अब यहाँ पर जब गैमेट फॉर्मेशन होगी तो क्या होगा, एक गैमेट जो है वो कौन सा बनेगा, कैपिटल टी, और जो दूसरा गैमेट है वो कौन सा बनेगा, वो स्मॉल टी। इसी तरीके से यहाँ पर जो है दूसरे जो है उसमें भी एक गैमेट कैपिटल टी और दूसरा गैमेट क्या है, वो स्मॉल टी बना। अब यहाँ पर हम फिर टेबल बनाएंगे, टेबल में हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी लिखी और यहाँ पर भी कैपिटल टी और स्मॉल टी लिखी। अब यहाँ पर जो है जब हमने इसको क्रॉस ब्रीड किया तो यहाँ पर जो है इस पेरेंट से हमें क्या मिल रही है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी, और इस पेरेंट से हमें क्या मिल रही है यहाँ पर, कैपिटल टी, यानी यहाँ पर दोनों हमारे पास कैपिटल टी आई। अब यहाँ पर हम देखें तो इस पेरेंट से हमें कैपिटल टी मिल रही है और इस पेरेंट से हमें स्मॉल टी मिल रही है। यहाँ पर भी हमें इस पेरेंट से कैपिटल टी मिल रही है और इस पेरेंट से हमें स्मॉल टी मिल रही है। यहाँ पर हमें इस पेरेंट से भी स्मॉल टी मिल रही है और इस पेरेंट से भी स्मॉल टी मिल रही है। अब ये जो जनरेशन हमारे पास आई इसको मेंडल ने नाम दिया F2 जनरेशन, यानी सेकेंड फिलहाल जनरेशन, F2 जनरेशन। अब हम गौर करेंगे कि यहाँ पर हमें क्या रिजल्ट्स मिला।
हमें यहाँ पर एक मिला कैपिटल टी, कैपिटल टी ये हमारे पास कितने हैं, वन, ये तो नहीं है, दूसरा कोई भी नहीं है, तो हमारे पास ये हो गया वन। और उसके बाद हमारे पास हिटरोजाइगस कंडीशन में कैपिटल टी और स्मॉल टी कितने आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दो। और हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव यानी दोनों कैपिटल दोनों स्मॉल टी कितने आ रहे हैं हमारे पास, एक आ रहा है। तो अब हमारे पास ये जो रेशो निकला, इस ये हमारा क्या है, जीनोटाइप है या फिनोटाइप, जीनोटाइप। तो हम इसको जो है ना ये कहेंगे कि जीनोटाइप क्या हुआ, तो हमारा जीनोटाइप रेशो, हमारा जीनोटाइप रेशो क्या होगा, हमारा जीनोटाइप रेशो होगा 1:2:1 रेशो, 1:2:1 रेशो। अब फिनोटाइप की तरफ चलेंगे, हमने यहाँ पर देखा था कि जब दोनों कैपिटल टी होते हैं तो प्लांट की फिनोटाइप क्या होती है, प्लांट टाल होता है, और जब हिटरोजाइगस कंडीशन में प्लांट होता है यानी एक डोमिनेंट एलील आ गई और दूसरी रिसेसिव एलील आ गई, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसमें हमारी फिनोटाइप क्या होती है, तमाम प्लांट्स क्या थे, टाल, तो तमाम प्लांट्स उसमें भी टाल हो गए। हमारी जो है रिसेसिव एलील अपने आप को फिनोटिपिकली तभी जाहिर करेगी जब वो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में आएगी, यानी कि ये जो हमारा ये फिनोटिपिकली प्लांट टाल होगा या डॉर्फ होगा, टाल होगा, और ये हमारा फिनोटिपिकली टाल होगा या डॉर्फ होगा, टाल होगा। तो इसलिए 2+3=2+1=3, यानी कि हमारे पास जो है फिनोटाइप जो है वो रेशो क्या होगा, फिनोटाइप रेशो क्या होगा कि हमारे टाल कितने हो गए, 3, और अब हमारे पास डॉर्फ कितने हो गए, सिर्फ 1, तो 3:1 रेशो जो है वो हमारा क्या होगा, ये हमारा फिनोटाइप रेशो होगा। अब इसको किसी भी तरीके से करें, कोई भी ट्रेट लें, जैसे हम राउंड सीड और रिंकल्ड सीड का अगर लेंगे तो यहाँ पर हमें यही रेशो और यही रिजल्ट मिलेगा, ये राउंड सीड और ये क्या हो गया, स्मॉल आर, स्मॉल आर रिंकल्ड सीड, तो राउंड सीड का कैपिटल आर और इसका जो है ना ये भी क्या होगा, ये सॉरी हमारे पास ये एक कैपिटल था और एक स्मॉल था, क्योंकि फर्स्ट फिलहाल जनरेशन में हमें हमारे पास हिटरोजाइगस कंडीशन में चीज़ आई थी। तो अब यहाँ पर हमारा जो है ये रिंकल्ड का एलील और ये हमारे पास राउंड की एलील और ये हमारे पास रिंकल्ड की एलील। अगर हम इस तरीके से भी करें तमाम ट्रेड्स के साथ, मेंडेल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया और यही रिजल्ट आया, कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट हमारा वही आएगा, फिनोटाइप रेशो हमारा क्या आएगा, 3:1 रेशो, और जीनोटाइप रेशो हमारा क्या आएगा, 1:2:1 रेशो। ये देखें कैपिटल आर, कैपिटल आर और ये कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर और यहाँ पर दोनों स्मॉल आर, तो हमारे पास जो है ना यहाँ पर वही रेशो आएगा, कौन सा रेशो, हमारे पास दोनों होमोजाइगस डोमिनेंट 1 और हमारे पास हिटरोजाइगस कितने होंगे, हिटरोजाइगस 2 होंगे, और हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव कितने होंगे, हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव भी 1 होगा। तो हमारा जीनोटाइप रेशो क्या हुआ, वही 1:2:1 रेशो, और हमारे पास फिनोटाइप रेशो क्या होगा, 3:1 रेशो। तो कोई भी ट्रेट ले, वो 7 के 7 जो है कंट्रास्टिंग करेक्टर्स की किसी भी ट्रेट को लेंगे, हमारा रिजल्ट जो है वो F2 जनरेशन में यही आएगा, और यही एक्सपेरिमेंट्स मेंडल्स ने रिपीट किए और उसने देखा कि तमाम के तमाम करेक्टर्स के साथ हमारा रिजल्ट वही आ रहा है। एनी क्वेश्चन, सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट प्लीज़।